हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 7th मार्च 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेक महिंद्रा में यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 1.89% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1453.60 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आने वाले दिनों के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं फिलहाल वन डे के चार्ट में वॉल्यूम यहाँ पे फ्राइडे के किस तरह का था। यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिला और कैंडल भी यहाँ पे एक छोटी सी बनती हुई देखने मिल रही है और दोनों साइड में हमें विक जो है देखने मिल रही है। करंटली RSI पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4950 के आसपास, मतलब एक तरह से RSI एकदम ही न्यूट्रल हो चुका है। दोनों साइड का हमें फिलहाल जो करंटली इशारा दे रहा है अपसाइड और डाउन साइड के। तो इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ चाहे RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो हमें जरूर एक यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट जो दे सकता है। ज्यादा यहाँ पे बड़ा मूवमेंट कोई नहीं आने वाला वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 EMA जो है अभी भी 50 EMA के नीचे जो है वो चल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूंगा थोड़ा सा जो आप स्टॉक में भले अपसाइड मूवमेंट आएगा लेकिन वो मूवमेंट जो है टेम्परेरी होगा। तो जब तक यहाँ पे जो है अच्छा खासा यहाँ पे कर्व हमें ना दिखे 20 EMA में 50 EMA के साइड के लिए यहाँ पे, तब तक हम जो है थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पे जब तक अच्छा मूव ना दिखे, परमानेंट मूव ना दिखे, तब तक यहाँ पे लॉन्ग के लिए तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। करेंटली अगर मैं बात करूँ आने वाले दिनों के, आने वाले दिनों के लिए जरूर जो हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकता है स्टॉक में। करेंटली यहाँ पे 1500 तक स्टॉक हमें जरूर एक अपसाइड मूवमेंट जो दे सकता है। इवन 1520 तक हमें अपसाइड मूवमेंट जो है आ सकता है लेकिन वो टेम्पररी होगा, उसके बाद वापस स्टॉक जो है यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने मिल सकता है। 1420 तक हमें स्टॉक जो गिरते हुए इजीली देखने वापस से मिल सकता है। तो आने वाले दिनों के लिए हमारा ओपिनियन जो है पॉजिटिव साइड का है। आपका क्या ओपिनियन है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 डे का चार्ट जो है हमने आपको बताया था, फिलहाल अब बात करते हैं यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में। तो 1 आवर के चार्ट में हमने ऑलरेडी जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस हमारे सारे के सारे जो है मार्क्ड है। फिलहाल यहाँ पे हमें करंटली कोई ऐसा नया जो है डेटा देखने नहीं मिल रहा है कि जो हम यहाँ पे आपको मार्क करके जो है दे दे और यहाँ पे उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे डेटा एडिशनल कर दे। तो यहाँ पे सीधा अब हम बात करते हैं फिलहाल यहाँ पे इसके क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1453.60 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट जो यहाँ पे बन रहा है फिलहाल का वो है 1440 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 1453.70 का। तो यहाँ पे बहुत ही पास में हमारा जो है यहाँ पे स्टॉक जो क्रॉस हुआ है अपने डायरेक्ट रेजिस्टेंस में, बहुत ही पास में क्लोज हुआ है अपने डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो है मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है,
किस तरह से यहाँ पे आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ चाहे हमारा स्टॉक इंट्राडे में नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया है। जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन के इस स्टॉक में मंडे के लिए, तो मंडे का मेरा यहाँ पे ओपिनियन कहने से पहले मैं इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट और दो रेशन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1430.25 का, उसके बाद क्या आता है 1414 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेशन के बाद का अगला रेशन आता है 1470 का, उसके बाद क्या आता है 1484 का। तो यहाँ पे याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशन में जो जो मैंने दो सपोर्ट और दो रेशन यहाँ पे बताए हैं उसी को आप कंसिडर में रखते हो, जहाँ पे अपना मंडे के दिन का जो है ट्रेड ले और वहीं पे उसी को क्रॉस करे तभी आपको कंफर्मेशन कैंडल सारे के सारे आपको देखने हैं। बाकी यहाँ पे अब बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे मंडे के लिए जो है फिलहाल करेंटली जो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव साइड में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जो है इस स्टॉक में खास करके यहाँ पे मंडे के दिन प्री ओपन मार्केट में स्टॉक जो है किस तरह से परफॉर्म करने वाला है वो मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर गैप अप हुआ, क्योंकि बहुत ही पास में डायरेक्ट रेशन के गैप अप अगर ओपनिंग हुई तो यहाँ पे स्टॉक जो अपसाइड हमें मोमेंट जो है दे सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं जो है फिलहाल थोड़ा सा जो मंडे का ओपनिंग का जरूर यहाँ पे मैं वेट करूँ किस तरह से हमारा मार्केट जो है वो ओवरऑल जो ओपन हो रहा है, साथ ही साथ टेक महिंद्रा यहाँ पे प्री ओपन मार्केट में किस तरह से परफॉर्म करता है उसको भी मैं जरूर यहाँ पे देखूंगा। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की करंटली फ्राइडे क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए, तो यहाँ पे अगर स्टॉक जो एकदम ही न्यूट्रल रहा तो यहाँ पे स्टॉक जो हमें जरूर जो है प्री ओपन मार्केट में न्यूट्रल रहा तो हमें डाउन साइड में आते हुए देखने मिल सकता है, मतलब 1440 से लेके 1453 के बीच में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है, मतलब नेगेटिव हमें लगता है स्टॉक में मंडे के दिन बन सकता है यहाँ पे। बाकी क्लोजिंग यहाँ पे मंडे के दिन हमें जो है नेगेटिव देखने मिलने वाली है। आपको क्या लगता है कि स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।